कौवे, तुम्हें करने को एक काम बोला था और तुमसे वो भी नहीं हुआ, और फिर बोलते हो कि सरदार क्या हुआ, जाओ कुछ भी करो और टूड़ी चिड़िया की बोतलों की दुकान बंद करा दो, उसकी वजह से हमारा कारोबार खराब हो रहा है। सरदार, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ उस टूड़ी चिड़िया की बोतलों की दुकान बंद कराने की, लेकिन नहीं हो पा रहा। लेकिन आप मायूस ना हो, इस बार मैं पूरा जोर लगाऊंगा उसकी दुकान बंद कराने के लिए। इस बार जरूर मैं उस टूड़ी चिड़िया का कारोबार खत्म कर दूंगा। बस और चिड़िया बोतल बेचने का कारोबार करते थे, लेकिन चिड़िया जो बोतल बेचती वो हमेशा अच्छी क्वालिटी के होते और बास का माल हमेशा एक्सपायर होता। इसी वजह से बास का कारोबार ठप पड़ा था और वो चाहता था किसी भी तरह से टूड़ी चिड़िया का कारोबार बंद करा दे। टूड़ी चिड़िया, तुम्हारे बोतल तो सारे जंगल में बहुत ही मशहूर है, तुम तो बहुत सारा पैसा कमा लोगी। टूड़ी चिड़िया, तुम्हारे बोतल तो आजकल बहुत चलने लगे हैं, बहुत ही जल्दी तुम अपने लिए एक अच्छा मकान भी बना लोगी और अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी भी गुजारोगी। वो बेचारा बास तो वहाँ पर बैठा रहता है, कोई भी नहीं जाता उससे बोतल खरीदने को। तुम तो बस इसी तरह आगे चलती रहना और बहुत सारा पैसा कमाना। इस बार कालू कौवा टूड़ी चिड़िया के पास पहुंचता है। कालू कौवा एक पुलिस वाला था और वो बास का साथ देता किसी भी तरह से टूड़ी चिड़िया को नाकाम करने के लिए। टूड़ी चिड़िया, तुम्हारे ये सारे बोतल एक्सपायर है और तुम्हें अब मेरे साथ थाने चलना होगा। कौवा झूठ बोलकर टूड़ी चिड़िया को फंसा देता है और उसकी दुकान बंद करा देता है। कालू कौवे, तुमने बहुत अच्छा किया जो उस चिड़िया की दुकान बंद करा दी। मैं तुम्हें इनाम दूंगा, वो भी बहुत सारे पैसे। जाओ अपने लिए ऐश करो ऐश, और जब भी जरूरत पड़े तो यहाँ पर आ जाना। अब सारे पक्षी बास से बोतल खरीदने लगते हैं। अच्छी खासी ठंडी कोल्ड ड्रिंक सारी बास से लेने लगे, लेकिन बास के जो बोतल थे वो सारे एक्सपायर थे और जो भी पक्षी इन बोतलों को पीता तो वो बीमार हो जाता और उसके बाद फौरन ही वो मर जाता। अरे, आप तो थोड़ी देर पहले ठीक थे, बोतल पीने के बाद ये आपको क्या हो गया? उठिए ना, उठिए ना। अब सारे पक्षी बास के बोतलों का बायकॉट करते हैं और कोई भी बास से बोतल ना खरीदने का अहद करता है। इस बात से कोई भी बोतल नहीं खरीदेगा, इसके सारे बोतल एक्सपायर हैं। इसके बोतल पीने के बाद मेरा भाई मर गया, उसके तो खून की उल्टी हा हो रही थी। कोई भी पक्षी इससे बोतल अब नहीं खरीदेगा। पक्षियों, अब टूड़ी चिड़िया अपनी दुकान दोबारा खोलती है क्योंकि सारे पक्षी भी यही चाहते थे। टूड़ी चिड़िया, आज के बाद उस बास से कोई भी बोतल नहीं खरीदेगा, उसके तो सारे बोतल ही एक्सपायर हैं। पीने के बाद जंगल में एक पक्षी मर गया। तुम्हारे बोतल बहुत ही अच्छे हैं चिड़िया।